हाल चाल है मेरे शेयरों से कुछ बढ़िया ना। तो दोस्तों ओप्पो की तरफ से आ चुका है ओप्पो के 10। ये ओप्पो का के सीरीज में तीसरा फोन है। जनरली ओप्पो जब भी के सीरीज के अंदर कोई स्मार्टफोन लॉन्च करता है तो उसमें कुछ ना कुछ चीजें स्पेशल जरूर देता है, इसमें भी है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अभी बताया कहां है, सब कुछ बता दूंगा, खुल के पूरा बता दूंगा जितना कुछ मुझे बता है। लेकिन इंट्रो के बाद, इंट्रो लगाओ। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम स्पेसिफिकेशन स्टार्ट करेंगे लुक्स से। फोन दिखने में कैसा है? फोन दिखने में ऐसा है, जी हाँ दोस्तों, फोन दिखने में बिल्कुल प्रीमियम लगता है। लगता ही नहीं है कि 15-16 हजार का फोन है। प्राइस अभी नहीं बताना था, बता चुका हूं तो सुन ही लीजिए। 6 128 GB का प्राइस है 14,990 रुपए और 8 128 GB का प्राइस है 16,990 रुपए। खैर हम आते हैं लुक्स में। लुक्स जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, कैमरा मॉड्यूल वाला पार्ट थोड़ा अलग बनाया गया है, बॉडी वाला पार्ट थोड़ा अलग बनाया गया है। लेकिन बॉडी वाला पार्ट या कैमरा वाला पार्ट में आपको फिंगरप्रिंट का निशान नहीं आएगा, इतना मैं गारंटी से कह सकता हूं। और ये जो बैक पैनल आप देख रहे हैं, ये ग्लास बैग समझने की गलती बिल्कुल मत करना। दिखने में ग्लास बैग जैसा है लेकिन प्लास्टिक बैग है। क्लियर। आते हैं डिस्प्ले में। दोस्तों यहां पर आपको एक 6.95 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलता है। जी फुल HD प्लस पैनल है, 90 हर्ट्ज वाला IPS LCD डिस्प्ले है और 180 हर्ट्ज का आपको यहां पर टच सैंपलिंग रेट भी मिलता है। ब्राइटनेस की बात करूं वो भी काफी अच्छा खासा है। डायरेक्ट सनलाइट में आपको थोड़ी बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है, बाकी ओवरऑल में ब्राइटनेस ठीक ठाक है। रैम वेरियंट्स मैं बता चुका हूं, 4128 के लिए कोई जगह नहीं है, 6128, 8128 ये सारे रैम वेरियंट्स मिलता है। इसी के साथ साथ आपके यहाँ पर डेडिकेटेड सिम स्लॉट दिया गया है। प्रोसेसर की बात करूं, यहां पर आपको 4G प्रोसेसर मिलता है। जी हाँ, ओवरऑल फोन भी 4G है, 5G नहीं है। तो 4G प्रोसेसर के अंदर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 690। कितना? मैंने बताया 680। बेसिकली ये एक 6 नैनोमीटर वाला चिपसेट है। ऑन पेपर एंटूटू बेंचमार्क स्कोर की बात करूं तो वो कुछ 270,000 के आसपास आता है। ठीक है, डिसेंट प्रोसेसर है, अच्छी खासी गेमिंग आप इसके अंदर कर लेंगे। हाँ एक चीज है, हाई ग्राफिक्स वाला कोई गेम जैसे BGMI, COD वगैरह अगर खेलेंगे तो वो 30 FPS पे ही पॉसिबल है, उससे ऊपर एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो दोस्तों यहां पर आपको कलर OS 11.1 मिलता है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11। हाँ इसके साथ और भी कुछ चीजें आपको मिलती है जैसे कि कुछ ब्लूटूथ जिसको आप डिलीट तो कर सकते हैं लेकिन मिलता है। और एक चीज मिलता है, 5GB का वर्चुअल रैम, यानी कि 6GB वाले फोन लेंगे तो 11GB और 8GB वाला लेंगे तो सेंसर्स सारे के सारे सेंसर्स मौजूद है, इंक्लूडिंग साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, 3.5mm हेडफोन जैक्स, डुअल स्टीरियो स्पीकर और कुछ नहीं। कनेक्टिविटी की बात करूं, डुअल 4G वोल्टी, डुअल वैन वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, वाईफाई कॉलिंग, वाइडबैंड L1, ये सारी चीजों का सपोर्ट है। अब बात करें वो स्पेशल चीज की जिसके लिए आप रुके हुए हैं, तो दोस्त यहां पर 15-16 हजार वाले फोन के अंदर आपको IP रेटिंग मिलता है। जी हाँ, बस और कुछ भूल गया क्या? ये ना ही बताओ तो ही अच्छा है। खैर यहां पर आपको 3 कैमरा मिलता है कहने के लिए, लेकिन काम का खाली एक ही है 50 मेगापिक्सल का, और 2 जो कैमरा है वो 2-2 है। सेल्फी कैमरा की बात करो तो वो 16 मेगापिक्सल का है और ये सोनी का 471 सेंसर यूज किया गया है इसमें। ये बढ़िया था गुरु। और लास्ट बैटरी की बात करें तो 5000mAh का बैटरी और 33W का फास्ट चार्जर देके कहानी यहीं पे खत्म किया जाता है। तो दोस्त अगर आप भी ओप्पो लवर है और आप मार्केट में सबसे नया प्रीमियम लुकिंग अच्छा खासा गेमिंग वाला और एक अच्छा कैमरा वाला अगर फोन ढूंढ रहे हैं तो आप इस फोन की तरफ जा सकते हैं। और IP रेटिंग भी आपको इसमें मिलेगा, मतलब थोड़े बहुत पानी के छींटे वीटे लग गया तो कुछ नहीं होगा। हालांकि ये इंडिया है और यहां पर तो मेरे ख्याल से हर इलेक्ट्रॉनिक चीज पे IP रेटिंग देना चाहिए, नहीं तो बस यही तक था आज का पूरा वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताओ, और के सीरीज के बारे में आपको पता था या नहीं वो भी आप लिख सकते हैं। मतलब कमेंट सेक्शन ना आपका और मेरा कनेक्शन वाला वो ये है, मतलब वो है, अबे समझ जाना रे भाई। और अगर ऐसे वीडियोस रोज रोज देखना है तो सब्सक्राइब वाला बटन है ना, बाल्टी फेंक के मार साले को। बाय। Kiki kiki kiki.